नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे ए टू जेड स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज हम हिंदी का पेज 32 लेकर आए हैं आप लोग के कमेंट पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है, जबकि यह वीडियो मैं पहले अपलोड कर दिया हूं। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है कि यहां दिया के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर समझिए कि कौन सा वाक्य कैसा निशान चिन्ह लगाया जाएगा, उनके सारणी के उचित कॉलम में लिखिए। तो यहां पर जो दिया हुआ ये सेंटेंस, इस सेंटेंस को आप पुनः यहां लिखेंगे और ये भी सेंटेंस को यहां लिखेंगे, और ये सेंटेंस के आगे में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेगा या पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा। तो प्रश्नवाचक का चिन्ह उसी में लगाएंगे जिसके सेंटेंस में कैसे कैसे क्यों कब रहे, तो वो आपका इसमें लिखना होगा। तो बता देते हैं आपको, समझिए उस समय आदमी के पास धन नहीं था तो इसमें लगाएंगे और आगे में इसको प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे, यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आदमी कैसे जिंदा रहता था, तो यहाँ आप लिखेंगे आदमी कैसे जिंदा रहता था, तो इसको लिख के यहाँ कैसे दिया है, यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे और इसमें आप लिख देंगे, यही तो आपका बन जाएगा। इसी तरह से आपको पूरा का पूरा इसमें लिखते हुए काम आगे करना है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। ये दिया एक नन्हा खरगोश था, इसके आगे में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाइए। वह अपनी माँ के साथ रहता था, पूर्ण विराम का चिन्ह लगाइए। उसने अपनी माँ से कहा मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं, पूर्ण विराम का चिन्ह लगाइए। माँ ने पूछा ऐसी क्या परेशानी हो गई, यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाइए, यानी इसमें से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए, इसमें प्रश्नवाचक, यहाँ पूर्ण विराम, यहाँ पूर्ण विराम। ये पेज 32 आपका कम्प्लीट हो जाता है। ये ट्यूलिप किचन का ये कॉमेंट था, तो उसी का मैं ये रिप्लाई दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ये 32 से 38 का पेज मैं अपलोड कर दिया हूँ, आप उसे जाके देख सकते हैं। पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ। आगे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है उनके नाम लिखिए। इस चित्र में जो चीज आप देख रहे हैं उसका आपको नाम लिखना है। अब देखिए क्या है, आदमी है, पुरुष है, स्त्री है, क्या दिखाई दे रहा है, चपाकल है, क्या क्या दिखाई दे रहा है आप देखिए और उसका आपको नाम लिख दीजिए इसमें, उसी तरह आपको लिखना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या दिखा है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक में क्या दिया है, दिए गए शब्दों में से नाम वाले शब्द से घेरा लगाइए। इसमें नाम वाला शब्द कौन सा है उसको आपको घेरा लगा देना है, यही इसमें कहा गया है। उसके आगे में बताया गया है कि ऊपर दिए गए शब्दों से नीचे दी गई सारणी में सही जगह नाम चुनकर लिखिए। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जो आपने चीज देख रहा है, जैसे कमला है, कार है, चित्र बनाना है, तो किस किस में क्या क्या आएगा। तो व्यक्ति का नाम इसमें लिखिए, लोक का नाम इसमें लिखिए, जगह और स्थान का नाम इसमें लिखिए, इसमें से आपको चुन के लिखना है। जानवर और पक्षी का नाम, तो जानवर जैसे हाथी है तो इसमें नाम लिखेंगे, पक्षी अगर कहीं दिखाई दे रहा है, कबूतर है तो इसको आप यहाँ लिखेंगे। चीज कोई वस्तु जैसे है, चीज है, तो उस चीज का नाम यहाँ लिखेंगे, जैसे कार है, कंप्यूटर है, पंखा, ये चीज है, तो ये सबको यहाँ पर लिखेंगे। ये पेज आपका 33 कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और मित्रों के साथ, बच्चों के साथ शेयर जल्दी से कर दीजिए। क्लास में जितने बच्चे होंगे पढ़ाने में उतना मन लगता है, क्लास उतना रौनक लगता है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है उचित संज्ञा शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। उचित संज्ञा शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए, तो फूल पर बैठी है, कौन बैठी है, चिड़िया बैठी है कि तितली बैठी है, तो तितली बैठी है, यहाँ बढ़िया, फूल पर तितली बैठी है। दो नंबर रहेंगे किसान खेतों में काम करता है, जंगल में जानवर रहते हैं, तीन नंबर में लिखिए जंगल में जानवर रहते हैं। तो इस तरह से आपको लिखते हुए चलना है, अपना वर्कबुक में अच्छी तरह से इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ऐसी चार वस्तुओं के नाम लिखिए जो आप पार्क या बगीचे में देखते हैं। यहाँ जो लिखा है इसे आप नहीं भी लिखेंगे तो आप जो पार्क में देखते हैं उसको आप लिखिए, क्योंकि आप पार्क में जिस चीज को आप देख रहे हैं उसी चीज को लिखने के लिए कह रहा है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में तीन नंबर में दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए, तो इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है उसको आपको लिखना है। संज्ञा शब्द किसे कहते हैं, किसी वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा आप देखिए कि कहाँ पर है उसी को आपको लिखना है। चलिए देखते हैं संज्ञा कहाँ पर है। जैसे है बच्चा है, गेंद है, तो आप इसमें लिखिए गुलाब है, इसमें से आप लिख सकते हैं जो जो आपको संज्ञा शब्द नजर आ रहे हैं तो उसे आप लिखेंगे। संज्ञा का मतलब वही है जिसको हम अपनी आंख से देखते हैं, वही आपका संज्ञा होता है। चलिए उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता नेक्स्ट में क्या दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में ऐसे नाम वाले शब्द व बिना नाम वाले शब्द को छांटकर लिखिए। बिना नाम वाला इसमें लिखेंगे, नाम वाला इसमें लिखेंगे। ये आपका पेज 34 कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद आता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति